Assalamualaikum, i hope you are doing good this is advocate usman abid and you are watching the law session in today's session we will do article 63a of the constitution 1973 and which is about disqualification on the ground of defection etc the article 1 uh, sub article 1 states if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house aage do grounds number 1 ए रिज़ाइंस फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पोलिटिकल पार्टी और ज्वाइंस अन अदर पार्टी यानी किसी पार्टी का कोई मेंबर अगर अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर देता है या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर देता है तो इस ग्राउंड पे बी नंबर टू वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाई द पार्लिमेंटेरी पार्टी टू विच ही बिलोंगस इन रिलेशन टू दूसरी बात ये आ गई कि वो पार्टी की जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उसकी डायरेक्शन से अगेंस्ट उसकी डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट कर देता है या वोट कास्ट ही नहीं करता इन दो सूरतों में लेकिन ये जो उसने वोट कास्ट करने हैं, वो किन इलेक्शन से रिलेटेड नंबर वन इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अ मनी बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सो so, ओबली जब इलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर के तो वहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ पे अगर किसी मेंबर ने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट कर दिया या वोट ही नहीं कास्ट किया फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हैं उनमें अगर उसने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट कर दिया या किया ही नहीं है इसी तरह मनी बिल से रिलेटेड फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की अगर रेजोल्यूशन है उसको पास करवाना है वहाँ पे पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाकर उसने वोट कास्ट कर दिया या वोट ही नहीं कास्ट किया सो so, इन सारी सूरतों में मेन दो बातें आ गई ना अगर तो उसने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया किसी मैंबर ने या उसने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया सेकेंडली उसने अपनी पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके वोट कास्ट किया इन इलेक्शंस में इन uh, uh, सूरतों में तो

कि इसको डिसक्वालीफाई किया जाए अब वो जो ये डेक्लरेशन इन राइटिंग लिखेगा उसने इसकी कॉपी फॉरवर्ड करनी है एक तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को अब वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा देखिए अगर तो वो मेंबर है नेशनल असम्बली का तो स्पीकर को वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा अगर वो सेनेटर है तो चेयरमैन सेनेट और अगर किसी प्रोविंशल असम्बली का वो मेंबर है कोई एम वगैरह है तो उस प्रोवेंशल असम्बली के स्पीकर को साथ ही साथ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को और उसी मेंबर को भी इस डेक्लेशन की कॉपी दी जाएगी <coughs> आगे इसकी एक प्रोवाइजो दी है सब आर्टिकल में प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द द पार्टी हैड शैल प्रोवाइड सच मेंबर विद एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज एज टू वाई सच डेक्लेन मे नॉट बी मेड अगेंस्ट हिम प्रोवाइजों में ये कह दिया गया है कि जब ये उसने डेक्लरेशन पार्टी हेड ने करनी है राइटिंग में उसको दे देना है फॉरवर्ड भी कर देनी है तो उससे पहले नोटिस ज़रूर देना है शो कॉज नोटिस उस मेंबर को ज़रूर देना है कि आप आओ और बताओ कि आपने ये वॉयेशन की है तो क्यों की है जैसे इन्होंने शो कॉज नोटिस देना ज़रूरी होता है कि आप वजह बताओ कि हम आपको क्यों ना डिसकॉलीफाई करवाएँ ये डेक्लरेशन आपके अगेंस्ट क्यों ना बनाई जाए अब नेक्स्ट इसी सब आर्टिकल वन में एक्सप्लेनेशन है पार्टी हेड मीन्स एनी पर्सन बाई वट एवर नेम कॉल्ड डिक्लेयड एज सच By the party. For अब इसमें यह कहा गया है कि जो पार्टी हेड का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना सब आर्टिकल में जिसने ये राइटिंग डेक्लेशन देनी है वो उसका कुछ भी नाम हो सकता है फॉर इंस्टेंस अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो वहाँ पर चेयरमैन है पार्टी हेड बिलावल भुट्टो साहब इसी तरह आप मुस्लिम लीग नून में आ जाएं तो वहाँ पे पार्टी हेड शहबाज शरीफ साहब उनको प्रेसिडेंट सदर कहा जाता है तरीक़ान साहब में इमरान खान साहब चेयरमैन है पीटीआई के सो ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं बट वो जो टॉप लीडर होता है ऑफ दैट पार्टी जो उसको पार्टी का हेड होता है उसको किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है वो कर सकता है सब आर्टिकल टू देखें अब ये मैंबर कौन हो सकता है जिसकी जिसको इस तरह डिसकॉलीफाई करवाना करवाता है पार्टी हेड अ मेंबर ऑफ अ हाउस शेल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंटरी पार्टी इफ नंबर वन इफ़ ही हैविंग बिन इलेक्टेड एज अ कैंडिडेट और नॉमिनी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विच कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंटरी पार्टी इन द हाउस यानी या तो उस पार्टी के टिकट पर उसने इलेक्शन जीता हो वो मम्बर होगा या नॉमिनी हो सेकेंडली और हैविंग बिन इलेक्टेड अदरवाइज अब अदरवाइज़ कैसे हो सकते हैं जैसे हमारे ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं होते वो इलेक्शन जीत के आते हैं फिर वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और नंबर टू और हैविंग बिन इलेक्टेड अदरवाइज देन एज ए कैंडिडेट और नॉमिनी ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी हैज़ बिकम अ मेम्बर ऑफ सच पार्लियामेंटेरी पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन बाई मीन्स ऑफ ए डेक्लेशन इन राइटिंग वही बात आ गई ना एक तो वो होंगे मेंबर्स वो कंसिडर किए जाएंगे जो उस पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे या उनके नॉमिनी होंगे दूसरे वो हो जाएंगे जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे जो जिन्होंने जो पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं ए, ए, कंटेस्ट किया लेकिन इलेक्शन होने के बाद उन्होंने पार्टी को ज्वाइन की सो, सो ये दोनों मेंबर कंसिडर होंगे इनके अगेंस्ट जो पार्टी एड है वो डिक्लेरेशन दे सकता है कि इसको डिसकॉलीफाई करो इसने कोई डिफेक्शन की है सब आर्टिकल थ्री अपॉन द रिसप्ट तो अब ये अगला प्रोसीजर बता रहे हैं कि डेक्लरेशन तो भेज दिया सब आर्टिकल वन में बता दिया कि पार्टी हेड ने डेक्लेन भेज देनी है किसको A, को ऑफिसर को प्लस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को अब आगे क्या प्रोसीजर हो रहा है ये सब आर्टिकल थ्री में बताया अपॉन रिसीव अपॉन रिसीट ऑफ द डेक्लेन अंडर क्लाज वन जो क्लाज वन में वो डेक्लेन भेजी है द प्रजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस शेल इन टू डेज रेफर एंड इन केस ही फेल्स टू डू सो इट्स शेल बी डीम्ड दैट ही हैज रेफर्ड द डकलरेशन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे ये कह दिया गया सब आर्टिकल थ्री में कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डेक्लेशन इन राइटिंग दे दी है ना पार्टी हेड ने तो विद इन टू डेज उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो चेयरमैन सेनेट भी हो सकता है अगर वहां का मेंबर है नेशनल असेंबली का अगर मेंबर है तो स्पीकर होगा कोई प्रोविंशियल असम्बली का अगर मेंबर है तो उस प्रोविंशियल असम्बली का स्पीकर होगा वो क्या करेंगे विद इन टू डेज उस डेक्लरेशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने फॉरवर्ड करना है अगर वो विद इन टू डेज वो फॉरवर्ड नहीं करता प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो ये समझा जाएगा कि वो रेफर कर दिया गया आगे हु ले द डलरेशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन फॉर इट्स डिसीजन देयर ऑन कन्फर्मिंग द डेक्लेशन और अदरवाइज़ यहाँ पे जब फॉरवर्ड कर दिया टू डेज़ में प्रजाइडिंग ऑफिसर ने या नहीं किया तो आफ्टर टू डेज़ वो समझा जाएगा कि वो रेफ़र हो गया फिर जो ची, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने इस मैटर को इस डेक्लरेशन को किसके सामने भेज देना है इलेक्शन कमीशन के सामने वो जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के अब उन्होंने इस पर ऑब्वियसली अपना डिसीजन देना है या तो वो इस डेक्लेशन को कंफर्म कर देंगे हाँ जी इसने डिफेक्शन की है तो इसको डिसक्वालीफाई किया जाए या अदरवाइज़ या वो इससे इससे मना भी कर सकते हैं जैसे आयशा गुलाल के केस में जब ये डेक्लरेशन गया था तो उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया था सो ये पावर है कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि उन्होंने इसको डिसक्वालीफाई करना है या नहीं करना है विदन थर्टी डेज ऑफ इट्सिट बाई द चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेकिन ये जो सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने करना है ये तीस दिन के अंदर अंदर करना है जिस दिन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिसीव हुआ था वो डेक्लेशन सब आर्टिकल फोर वेर द इलेक्शन कमीशन कन्फर्म्स द डेक्लेन दम्बर रेफर टू इन क्लॉज वन शेल कीज टू बी अम्बर ऑफ द हाउस एंड ही सीट शेल बिकम वेकेंट यानी सब आर्टिकल फोर में कह दिया है कि अगर तो उन्होंने एग्री कर लिया तो वो कन्फर्म कर दिया अगर उन्होंने उस डेक्लेशन को तो वो जो मेम्बर है वो सीट वेकेंट हो जाएगी वो डिसकॉलीफाई हो जाएगा सब आर्टिकल फ़ाइव एनी पार्टी एग्रीव्ड बाई द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन मे विद इन थर्टी डेज प्रेफर दिन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विच शेल डिसाइड द मैटर विद इन नाइन्टी डेज़ फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द अपील अब यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर तो किसी पार्ट यानी फॉर इंस्टेंस हम मिसाल लेके चलते हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने अगर उसको कंफर्म करके डिसक्वालीफाई कर दिया सीट वेकेंट हो गया वो मेंबर विद इन थर्टी डेज इस डिसीजन के सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल करेगा और सुप्रीम कोर्ट उस अपील को विद इन नाइन्टी डेज डिसाइड करेगा सो अपील प्रोवाइडेड है इस इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट सब आर्टिकल सिक्स नथिंग कंटेंड इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द चेयरमैन और स्पीकर ऑफ ए हाउस क्लियर हो गया यहाँ पे सब आर्टिकल सिक्स में कह दिया कि ये जो आर्टिकल्स हमने सिक्सटी थ्री ए अभी तक पढ़ा है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये मेंबर्स की होगी ये चेयरमैन सेनेट की नहीं हो सकती या किसी स्पीकर की नहीं हो सकती चाहे वो नेशनल असम्बली का स्पीकर हो या किसी प्रोविंशियल असम्बली का स्पीकर हो सो so, इन पे ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होता सब आर्टिकल सेवन फॉर दर्पज़ ऑफ दिस आर्टिकल अब इसमें बेसिकली डे डिफ़ाइन किया गया कि हाउस किस को हाउस को और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हाउस मीन्स द नेशनल असम्बली और दैनट इन रिलेशन टू द फेडरेशन एंड प्रोवेंशल असेंबली इन रिलेशन टू प्रोवेंस एज द केस में भी यानी हाउस कौन सा हमने गिनना है किसके मेम्बर्स डिसकॉलीफाई हो सकते हैं सैनट के हो सकते हैं फिर नैशनल असम्बली के हो सकते हैं या किसी प्रोविन्शल असम्बली के मेम्बर वो हाउस हम कंसिडर करेंगे बी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन होगा ऑफिसर मीन्स द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली चेयरमैन ऑफ सेनेट और द स्पीकर ऑफ द प्रोवेंशल असम्बली एज द केस में भी तो वो भी हम बात कर चुके हैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन सैनट होगा स्पीकर हो सकता है नेशनल असम्बली का या अगर कोई प्रोविंशल असम्बली का मैंबर है तो वो होगा सब आर्टिकल एट आर्टिकल सिक्सटी थ्री इज़ सब्सिट्यूटेड एज अ फोर साइड शेल कम इन टू इफेक्ट फ्राम द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट्थ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टेन अब ये इन ऑपरेटिव है सब आर्टिकल एट इसमें यही बताया गया क्योंकि ये सबस्टिट्यूट किया गया था एटीनथ अमेंडमेंट में टू थाउजेंड टेन में सो उसके बाद ये कहा गया था इस आर्टिकल में ये कहा गया जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वहाँ से इंप्लीमेंटेशन होगी इस आर्टिकल की सो सो ये 2010 के बाद जो भी इलेक्शन हो गए उसके बाद से ये आर्टिकल ऑपरेटिव होगा ये कहा गया था ये था जी डिसकॉलीफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बेसिकली इसको एटीन अमेंडमेंट के थ्रू क्यों डाला गया था क्यों सब्सिट्यूट किया गया था ये आपने सुना ही होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है सेनेट के इलेक्शन होते हैं जो भी इलेक्शन होते हैं तो मेंबर्स अपना वोट भेज देते हैं उसको रोकने के लिए कि वो पार्टी डायरेक्शंस के मुताबिक ही वोट डालें इसको इस आर्टिकल को सब्सिट्यूट करके ये डाला गया था ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए मेंबर्स अपने वोट ना बेचें थैंक यू वेरी मच जी टेक केयर अल्लाह